Hi everyone, welcome to Excel Teacher YouTube channel. हम होम टैब और उसके रिबन्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने नंबर्स रिबन पे एंड किया था लास्ट वीडियो. ये पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग. कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं. हाईलाइट सेल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टेक्स्ट, टॉप टू बॉटम, डेटा बार्स, कलर्स, आइकन सेट, न्यू रूल्स. तो ये बहुत एक ब्रीफ इस लेक्चर के अंदर आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया जाएगा टैब और रिबन्स के बारे में. फर्दर जो हम मजीद वीडियोस बनाएंगे इन फ्यूचर, उसमें आपको फिर डिटेल में एज असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के ऊपर बात की जाएगी. तो इसलिए इन वीडियोस को, इनिशियल वीडियोस को आप एज अ इंट्रोडक्शन ऑफ टैब एंड रिबन कंसिडर किया जाए. तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर बात करेंगे. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेट से हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं, इनको सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ग्रेटर देन 80 जो भी हैं उनको ग्रीन कलर में शो करें. तो यहाँ पे आप देखें कि जो भी राइटिंग है मोर देन 80 वो ग्रीन कलर में हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 52 है, अगर इसको मैं 83 करूँगा तो ये ग्रीन कलर में शो करेगा. तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसको बोलते हैं. ऐसे ही आप जाएं लेस देन, अगर कोई डाटा लेस देन 60 है तो वो रेड कलर में शो करे. और ऐसे ही हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर इक्वल टू 70 है तो उसको येलो कलर में हम करेंगे सिलेक्ट कि वो शो करे. आप यहाँ पर अगर 70 लिखेंगे तो आपको येलो कलर में शो करेगा. यहाँ पे अगर आप इसको 51 लिखेंगे आपको रेड कलर में. ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है. ऐसे ही नेम्स के ऊपर है. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, टेक्स्ट आप टाइप करें. मैं टाइप करता हूँ नकदी. अच्छा, इसके डिफरेंट हैं. रेड कलर में शो कर सकते हैं, रेड बॉर्डर उसका क्रिएट कर दे. आप देख सकते हैं जहां इस सेल में कस्टम फॉर्मेटिंग में अगेन फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा. इसमें आप इसका बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं इसको. इसको हम ये वाला बॉर्डर दे देते हैं. फॉन्ट इसका बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं. कलर फॉन्ट का हम रेड कर देते हैं. तो ओके करेंगे तो इस सेल की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी. तो ये बेसिक फॉर्मेटिंग है. ऐसे ही टॉप टू बॉटम, टॉप 10 आइटम, ये वो सारी जो ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं ये आप समझ रहे होंगे. तो ये इनके ऊपर आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा. नेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा बार्स. तो डिफरेंट टाइप का उसकी लेंथ ऑफ डेटा, जैसे 45 टू 65, तो लेंथ को ये शो करेंगे. तो ये डिफरेंट कलर्स हैं जिनको आप शो कर सकते हैं. कलर स्केल्स आपको कलर स्केल शो करेगा. जो लेस है उनको रेड में, हाई है उनको ग्रीन में, येलो में. तो डिफरेंट रूल्स हैं, मोर रूल्स हैं. यहाँ पे आइकन्स आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में. डिफरेंट आइकन है तो हमेशा ऐसी चीज, ये जो चीज़ें हैं आइकन, कलर्स, स्केलिंग, ये न्यू रूल्स के अंदर अच्छे से आप इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं. इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस की जाएगी आने वाले लेक्चर्स में. तो ये एक सिंपल हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग की डिटेल है. डुप्लीकेट वैल्यू, डेफिनेटली अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो हाईलाइट 56 56, 25 45, डुप्लीकेट वैल्यू की फॉर्मेटिंग है. इसके अलावा बिटवीन आप रेंज दे सकते हैं कि 36 टू इस रेंज से इस रेंज तक आए. तो फॉर एग्जांपल मैं रेंज देता हूँ 35 से 55 तक जितना भी डाटा है उसको येलो में शो करो. इसको हम 55 से बढ़ा के 60 तक कर देते हैं. तो ये देखें सारे उसमें ये बिटवीन रेंजेस हैं. तो ये आप जब इसको स्टडी करेंगे डिटेल्ड तो आपको इसकी और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी. तो ये हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर काफ़ी बात कर ली. अब हम बात करेंगे, जैसे एक टेबल है,
क्लियर में जाके मैं इसकी फॉर्मेट को क्लियर कर देता हूँ, इस सिंपल फॉर्मेट में आ गया। इसको इसको दोबारा से मैं परसेंटेज में ले लेता हूँ, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इसको टेबल फॉर्मेट बोला जाता है। जैसे आप इसको सिलेक्ट किया और ये एक फॉर्मेट क्रिएट हो गया, डिफरेंट स्टाइल हैं, डिफरेंट स्टाइल का फॉर्मेट के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम जो आप देख सकते हैं इधर, तो डिफरेंट ऑप्शन है, टोटल रोज टोटल आ जाएगा, लास्ट कॉलम पेंडेड, फिल्टर बटन हाइड शो कर सकते हैं आप जो यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं। तो ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट सेटिंग यहाँ पे हैं जो कि डिज़ाइन में जाके उनकी आप ऑटोमेटिकली डिज़ाइन में सिस्टम आपको ले जाएगा। तो यहाँ पे सेल फॉर्मेट है, किसी सेल को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, इस सेल को अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, यहाँ पे सेल फॉर्मेटिंग है, गुड बैड, किसी भी कलर में अगर आप इसको फॉर्मेट स्टाइल करना चाहते हैं, इसकी आउटलाइन देना चाहते हैं, न्यू स्टाइल बनाना चाहते हैं, टाइटल वाइज हेडिंग 1-2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये डिफरेंट है। इंसर्ट सेल, आप देखें पूरी रो एक इंसर्ट हो रही है, इंसर्ट शीट रो, ये आप इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट टेबल अबव, रो अबव, बिलो, लेफ्ट राइट, ये आप सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिलीट में भी सेम, डिलीट सेल फॉर्मेट में रो हाइट आप मेंशन कर सकते हैं, 15 है, इसको हम 35 करेंगे तो रो हाइट बढ़ जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें आप चीजें देख सकते हैं, ऑटो फिट, कॉलम विथ, आप कॉलम की साइज को 20 करना चाहते हैं तो कॉलम का साइज बड़ा हो जाएगा, डिफॉल्ट विथ हाइड एंड अनहाइड, हाइड रो, रो हाइड हो जाएगी, हम इस रो को भी हाइड करना चाहते हैं, हाइड रो। अब 5 के बाद आप देखें 8 है, हम 2 रोज हाइड की हैं, फॉर्मेट में आके हम हाइड एंड हाइड में अनहाइड रोज कर दें, जिससे सारी रोज हम दोबारा, तो ये डिफरेंट सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, टैब कलर है, डिफरेंट टाइप के आप टैब को कलर दे सकते हैं, रीनेम शीट, यहां पे आप शीट का नेम एक्सेल दे सकते हैं, आप यहां पे शीट ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें, ये टैब जब आपने देखा था यहां पे फॉर्मेट टैब, यस टैब कलर, तो ये आप जो नीचे ये देख रहे हैं इनके कलर चेंज हो जाएंगे। अब मैं इस टैब का कलर ऑरेंज देता हूं, देखें आपको यहां पे ऑरेंज शो करेगा, टैब कलर्स आ गए। डिफरेंट शीट के डिफरेंट दे सकते हैं, जैसे इस शीट का नेम मैं रख देता हूं ABC और इसका टैब कलर मैं रख देता हूं ग्रीन। जब आप इस शीट पे आएंगे तो आपको इसका सेल ग्रीन नजर आएगा। ऐसे ही प्रोटेक्ट शीट